लोकसभा चुनाव से पहले विधायकों की नब्ज टटोल रही समाजवादी पार्टी, ऐसा धमाका होगा कि विरोधियों के छक्के छूट जाएंगे। अखिलेश यादव को अब हल्के में लेने की गलती न करना, ये नेता नहीं राजनेता बन चुके हैं और ऐसी रणनीतियां बनाते हैं कि विरोधी पस्त हो जाते हैं। घोसी और मैनपुरी ने अखिलेश यादव और सपा की ताकत का करवा दिया एहसास, अब 2024 में गर्दा उड़ाने की तैयारी। देखिए क्यों आई अब सपा विधायकों की बारी। छोटे नेताजी, ये नाम तो आपने सुना ही होगा और नहीं सुना है तो फिर याद कर लीजिए। भले ही ये उपनाम है लेकिन छोटे नेताजी ने ऐसा गदर काटा है कि तमाम विरोधी दल अब बौने नजर आ रहे हैं, जिनकी रणनीतियों को लेकर बार बार दावा किया जा रहा है कि वो सबसे बेहतर हैं। हकीकत में छोटे नेताजी यानी अखिलेश यादव के सामने उनकी नीतियां भी पानी मांग रही हैं और स्थितियां एकदम विपरीत दिखाई दे रही हैं। जिस सपा को सत्ताधारी साफ होने का दावा करते थे, उसी सपा ने उन्हें हार का ऐसा हार पहनाया है कि ये नौलखा हार अब उनकी बड़ी हार में तब्दील होने वाला है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे अखिलेश यादव अब सपा के विधायकों की नब्ज को टटोलने में लगे हैं और कोशिश है कि इनकी तैयारियों को भी परखा जाए ताकि पता चल सके कि पार्टी कितने पानी में है, और जो आलाकमान के सामने दावे करते हैं कि जीत पक्की है उनके दावों को भी परखा जा सके। अखिलेश यादव जहां मजबूत विधायकों को लेकर एक बड़ा फैसला करने वाले हैं, तो वहीं सत्ताधारियों को कैसे रोकना है और कैसे उनके गले में हार का हार पहनाना है उसकी भी तैयारियों में लगे हैं। अखिलेश यादव वैसे तो उम्मीदवारों के चयन में लगे हैं लेकिन चयन के साथ साथ वो काबिल नेताओं की एक बड़ी लॉबी बनाने में लगे हैं। अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन से समझौता करते हुए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी है। संगठन को भी मजबूत करने पर अखिलेश यादव ध्यान दे रहे हैं। जाति समीकरण को बेहतर बनाने की कवायद भी अखिलेश यादव कर रहे हैं। साथ ही दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज से जुड़े सम्मेलन करने की तैयारी बनाई गई है। समाजवादी पार्टी अपने एक दर्जन से अधिक विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिससे मजबूती के साथ चुनाव लड़ सके। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के उन विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए संकेत दिया है और अपने अपने क्षेत्र में चुनावी तैयारी को मंडल स्तर से लेकर बूथ स्तर तक मजबूती से आगे बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए हैं। सपा नेतृत्व की कोशिश है कि जिन पार्टी विधायकों की स्थिति उनके क्षेत्र में उनके समाज के बीच में बेहतर है, इसका फायदा लोकसभा चुनाव में उठाया जाए। इन्हीं तमाम परिस्थितियों को देखते हुए अखिलेश यादव ने पार्टी के कद्दावर वरिष्ठ विधायकों को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति बनाई है। सपा के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार अखिलेश यादव नवरात्र में कुछ टिकटों की घोषणा भी कर देंगे। कुछ प्रमुख सीटों पर वो उम्मीदवार उतारने को लेकर इंडिया गठबंधन के स्तर पर भी बातचीत कर रहे हैं, जिससे समय रहते समाजवादी पार्टी करीब 2 दर्जन लोकसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार घोषित कर सके और वो लोग अपने क्षेत्र की तैयारी कर सके। अखिलेश यादव जाति समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए पार्टी के विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं साथ ही कुछ विधान परिषद सदस्यों को भी लोकसभा चुनाव लड़ाकर अपनी स्थिति को इंडिया गठबंधन में मजबूती प्रदान करना चाहते हैं। यही कारण है कि अखिलेश यादव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को फतेहपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। नरेश उत्तम पटेल सदस्य विधान परिषद भी है और कुर्मी बिरादरी से आते हैं। उनकी उनके क्षेत्र में अच्छी पकड़ और पहुंच भी बताई जाती है। इसके अलावा दल बदल की कोटे से समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल को भी लोकसभा चुनाव फूलपुर से लड़ाई जाने की चर्चा की जा रही है। समाजवादी पार्टी के दूसरे विधायक इंद्रजीत सरोज को कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ाने की तैयारी है और अखिलेश यादव ने उन्हें चुनावी तैयारी को आगे बढ़ाने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव को आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। सुपौल के बहाने आजमगढ़ के आसपास की तमाम सीटों पर जाति समीकरण और शिवपाल सिंह यादव के नाम और खत का फायदा उठाने की सपा नेतृत्व कोशिश कर रहा है। आजमगढ़ से जब शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ेंगे तो आसपास की सीटों पर जातीय समीकरण को बेहतर करते हुए चुनाव लड़ा जाएगा। इसका फायदा समाजवादी पार्टी को काफी हो सकेगा। अखिलेश यादव की कोशिश है कि नवरात्रि के पावन मौके पर पूरा फायदा उठाया जाए और माता रानी का आशीर्वाद लेते हुए उम्मीदवारों का ऐलान किया जाए। अखिलेश यादव की कोशिशों को मुकम्मल करने के लिए पार्टी की तरफ से नेताओं की मेहनत भी लगातार जारी है। नौमी से पहले पार्टी की तरफ से कोई बड़ा ऐलान किया जाना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।